यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसडी कॉमर्स करियर सेक्टर 10 पंचकुला। दिस इज सीए धीरज हेयर एंड होप सो यू आर डूइंग वेल। इन द प्रीवियस पार्ट नॉर्मली डिविडेंड के रिगार्डिंग हम लोगों ने दो सेक्शंस मेन कंप्लीट किए, दैट इज ऑल अबाउट 124 एंड 125। मैं जस्ट एक शॉर्ट डिस्कशन में उस टॉपिक को कवर अप करूंगा बिकॉज आज का हमारा टारगेट है इस टॉपिक की नोटिंग को कंप्लीट करते हुए आईसीआई मॉड्यूल में से बैक टू बैक कुछ 6 to 7 क्वेश्चंस हैं, साथ के साथ वो भी क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। क्लियर? सो पहले 124 में हम लोगों ने जो रीड आउट किया दैट इज ऑल अबाउट अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्लियर कि सर अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर आप लोगों का डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड, वैसे सर डिविडेंड को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कितने दिन में लगाई गई, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन से आप लोगों ने डिविडेंड को क्या किया, डिक्लेयर किया, वहां से पहले तो 5 दिन के अंदर पैसा एक अलग सेपरेट बैंक में, जो कि स्केड्यूल्ड बैंक होना चाहिए, वहां पे वो पैसा डिपॉजिट हो जाना चाहिए। क्लियर? एंड नंबर टू आपने क्या रीड आउट किया कि सर अल्टीमेटली वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 days के अंदर अंदर आप लोगों का ये पैसा नेक्स्ट आगे मेंबर्स के अंदर, शेयर होल्डर्स के अंदर क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। मैं कह डन सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर अगर लेट इट बी 30 days में मैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, मैं 30 days के अंदर आगे शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर पाया, मेरी इनएबिलिटी या वो पर्सन ट्रेस नहीं हुए, कारण कोई भी हो, 30 दिन के बाद वो पैसा वहां अकाउंट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कितने दिन में, 7 days। नेक्स्ट 7 days में एक अलग बैंक अकाउंट क्या करवाइए, ओपन करवाइए, जो कि अगेन स्केड्यूल्ड बैंक में आप लोग अकाउंट ओपन करवाएंगे, वहां पे ये पैसा 7 days के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। एंड दैट अकाउंट इज बेसिकली नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड, अनक्लेम्ड, यू मे से व्हाटएवर। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन जो वर्ड हमने डिस्कस किया, सर जैसे ही आप इस अकाउंट में ये ट्रांसफर कर देंगे, अब किसी को क्या पता अल्टीमेटली ये कौन सी अमाउंट थी कौन सी नहीं। कहते सर आपके ऊपर एक ड्यूटी और है, वो ड्यूटी क्या लगाई गई कि जैसे ही अमाउंट ये ट्रांसफर कर देंगे, वहां से 90 days के अंदर अंदर आप लोगों को एक स्टेटमेंट बनानी होगी। स्टेटमेंट में जिन जिन का नाम, मतलब किस किस पर्सन का ये पैसा जो अभी अनपेड या अनक्लेम्ड है, क्लियर, उनके कितने शेयर्स एंड ऑल, एक स्टेटमेंट बनाते हुए आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पे और प्लस जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट आपको प्रेस्क्राइब करेगा वहां पे ये स्टेटमेंट आप क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 124 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, अगर सर लगातार 7 साल लगातार कंजीक्यूटिव 7 ईयर्स वो अमाउंट अनपेड रहती है, अनक्लेम्ड रहती है, पैसा तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। पैसा तो आपने ट्रांसफर किसमें कर दिया, अनपेड डिविडेंड में कर दिया। तो सर अगर अगर ये पैसा लगातार 7 साल तक अनपेड रहता है, अनक्लेम्ड रहता है, तो इन शेयर्स को उठाकर आप लोग नेक्स्ट किसमें, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। बट सर ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या था, 7 consecutive years, लगातार 7 साल अगर अनक्लेम्ड होगा, मतलब किसी साल बीच में अगर वो ले गया फिर शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, अमाउंट अगर चली गई होगी तो वो वापस ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड सर अगर ये 7 days में, अगर ये 7 days जो आपको दिए गए थे अनपेड अकाउंट में जमा करवाने को, अगर ये 7 days से आपने क्या करा, डिले करा, तो जितना डिले करेंगे विद इंटरेस्ट अमाउंट आपको क्या करवानी पड़ेगी, डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना होगा, 12% पर एनम के हिसाब से। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 124। एंड लास्ट में कुछ आपने इसकी पेनल्टीज भी रीड आउट करी होगी, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्लियर? आफ्टर दैट मेन जो हमने लास्ट सेक्शन रीड आउट किया था दैट इज ऑल अबाउट 125। 125 में आप ये बताइए, सबसे पहले तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज क्रेडिट्स एंड नंबर टू डेबिट्स। क्रेडिट्स मींस इस फंड में पैसा आएगा कहां से एंड इस फंड में से पैसा जाएगा कहां कहां, वो पर्टिकुलर दो टॉपिक्स हमने क्या किए, डिस्कस किए। क्लियर सर? नॉर्मली अगर मैं सिंपल जस्ट 2 मिनट की रिवीजन लूं, क्रेडिट्स में हम लोगों ने क्या रीड आउट किया, सबसे पहला तो ये तुम्हारे जितने भी डिफॉल्ट होंगे एंड रिमेनिंग अनपेड होंगे फॉर
7 ईयर्स, लाइक मैच्योर डिबेंचर्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी जो पेंडिंग रिफंड के लिए है, एंड प्लस ये अनपेड डिविडेंड वाला, क्लियर? ये अगर रिमेनिंग, क्योंकि आपने क्या कहा था, अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक पैसा अनपेड रहता है तो अब उसकी जगह चेंज करिए, अब वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं, वो नेक्स्ट आगे किसमें ट्रांसफर हो जाना चाहिए, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। और इस फंड में सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा, वो जो पुराने एक्ट में 205C में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बना हुआ था वहां से करिए क्लोज, क्योंकि न्यू सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में 125 उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, तो उधर का बैलेंस निकाल के इधर क्या कर लीजिए, ओपनिंग कर लीजिए, क्लियर? एंड आफ्टर दैट कुछ इनकम्स आई, इनकम में क्या आया, ग्रांट्स, डोनेशंस बाय द CG, SG, कंपनीज और एनी इंस्टीट्यूशंस, क्लियर? एंड सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर से अगर कोई पैसे आए होंगे तो वो भी इस अदर इनकम का क्या बनेंगे, पार्ट। तो मोटा मोटा कुछ ये पॉइंट्स आपने डिस्कस किए। यूटिलाइजेशन की अगर मैं मेन बात करूं, यूटिलाइजेशन में डिटेल हम कर चुके हैं इसीलिए जस्ट समराइज्ड वे में बात कर रहा हूं। यूटिलाइजेशन में हम लोगों ने यहां पे टोटल पॉइंट्स पढ़े जी 7। 7 में से भी सबसे पहला पॉइंट तो क्या था, जहां से पैसा आया वहीं वापस चला जाए, मतलब रिफंड ऑफ किस चीज का रिफंड, पहला अनपेड डिविडेंड उसने क्लेम कर लिया, नंबर टू एप्लीकेशन मनी वाला, नंबर थ्री वो मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर पहले वो अनपेड थे, कोई लेने नहीं आया था, मैंने रख लिया था, अब कोई पर्सन अगर लेना चाहता है इस फंड के पास डायरेक्टली जाए, एप्लीकेशन लगाए और अपना पैसा क्या कर ले, विड्रॉल कर। एक पॉइंट नंबर टू, नंबर टू थ्री फोर इकट्ठे वर्ड आए, अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। किसकी सर, इन्वेस्टर्स, नाम ही फंड का ऐसा है तो नेचुरली उसी में पैसा यूज होगा। अच्छा फिफ्थ पॉइंट अच्छा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉज्ड अमाउंट। डिसगॉज्ड अमाउंट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर अनएथिकल बिहेवियर से, इलीगल तरीके से या कोई फ्रॉड से किसी पर्सन को अगर क्या हुआ होगा, कोई लॉस हुआ होगा, तो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इस फंड में से उसको, उस पर्सन को क्या दी जा सकती है, कंपनसेशन दी जा सकती है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज डिसगॉज्ड अमाउंट। एंड आफ्टर दैट सिक्स नंबर, ये भी अच्छा पॉइंट था, ये अपने आप में सिक्स नंबर में आपने क्या पॉइंट पढ़ा था कि रीइंबर्समेंट होना किस चीज की, द लीगल एक्सपेंसेस फॉर द क्लास एक्शन सूट्स। क्लास एक्शन सूट्स मींस लाइक पूरे ग्रुप ने मिलकर केस करा, मेंबर्स ने, क्रेडिटर्स ने, डिबेंचर होल्डर्स ने, डिपॉजिट होल्डर्स ने, दैट आर कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट्स अंडर सेक्शन 37 एंड 245। मुझे डिटेल में नहीं जाना, मुझे जस्ट इतना सा याद रखना है, क्लियर? एंड आफ्टर दैट एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस, मतलब मिलता जुलता जो भी, क्लियर? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वन फर्स्ट, एंड फिर क्वेश्चंस के थ्रू काफी क्लैरिटी ओवरऑल टॉपिक के आपको फिर भी मिल जाएगी, क्लियर? चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जी सेक्शन 126, पढ़िए जी। हाँ जी, क्या डिविडेंड एटसेट्रा टू बी हेल्ड इन, एबियांस, एबियांस मीन्स रोक कर रखना, होल्ड करके रखना, क्लियर? अब एक चीज बताइए, कंपनीज एक्ट तुझे क्यों कह रहा है कि सर इनका डिविडेंड रोक लो, जबकि सर डिविडेंड अगर पेबल होगा तो आप लोगों का डिविडेंड तो आप लोगों को पे हो जाना चाहिए, कंपनीज एक्ट आपको क्यों कहेगा कि उसका डिविडेंड रोक लो? दैट मीन्स सर कोई मैटर्स पेंडिंग होंगे, कोई अमाउंट, कोई लिटिगेशन, कुछ ना कुछ कारण तो होगा, तभी कंपनीज एक्ट आपको कह रहा है बाय सेक्शन बनाकर कि ऐसे शेयर्स के रिगार्डिंग उनका डिविडेंड क्या कर दो, एबियांस में रख लो, होल्ड में रख लो। पढ़िए सर सेक्शन 126 अप्लाई कहां पे, अप्लाई कहां पे होगा, पहला अ ट्रांसफर डीड इज, हाँ जी क्या लिखा हुआ है, डिलीवर टू द कंपनी फॉर, किसके लिए, कहते सर मैं डिविडेंड कैसे बांट दूं, जिन शेयर्स के ऊपर मुझे डिविडेंड देना है उन शेयर्स की तो ट्रांसफर डीड तो मेरे पास आई पड़ी है। अब लेट इट बी इधर से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, देना था इनको, देना था किरण को, किरण की तो खुद ट्रांसफर डीड मेरे पास आई पड़ी है कि ये अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहती है। अब सर ये तो पंगा पड़ गया क्योंकि ट्रांसफर डीड मेरे पास आई हुई है, बट द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, और अभी वो ट्रांसफर ऑफ शेयर रजिस्टर्ड हुआ नहीं। अब पंगा क्या पड़ेगा, ट्रांसफरर को दें या ट्रांसफरी को दें, यही नहीं समझ आ रहा।
कंपनीज एक्ट कहता, अगर कोई ऐसा सिनारियो है, देख या तो सिंपल होता कि तूने ट्रांसफर डीड उसकी रजिस्टर्ड कर दी, फिर तो शेयर ट्रांसफर हो जाते किसको, ट्रांसफरी को, फिर तो क्लियर था कि अब नया ओनर कौन है, ट्रांसफरी, डिविडेंड किसको मिलेगा, उसको मिलेगा। मैं कहा जी सर मैंने अभी रजिस्टर्ड भी नहीं करा, और इन बिटवीन मैंने डिविडेंड क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब मैं किसको दूं, पुराने ओनर को दूं या न्यू ओनर को दूं। कहते सर ऐसे मैटर्स को अभ्यास में ले जाओ, हेल्ड कर लो, जब तक ये मैटर क्लोज डाउन नहीं होता, जब तक ये मैटर क्लोज डाउन नहीं होता ट्रांसफर वाला, तब तक कंपनी डिविडेंड उन शेयर्स के ऊपर नहीं देगी, हेल्ड करके रख लेगी, अलग से रख लेगी कि कोई नहीं पहले तुम सुलटा लो, पहले तुम आपस में कर लो जो भी तुम्हारा मैटर है कि इसने इसको शेयर दे दिए, ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद मेरे से ले लेना। या फिर आगे पढ़िए इफेक्ट ऑफ सेक्शन क्या होगा, पढ़िए जी। हाँ जी डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स शैल बी ट्रांसफर टू द अनपेड और डिविडेंड सर अकाउंट। एक कारण तो यही है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा जाने का वन ऑफ द रीजन क्या हुआ, ये कौन सा पैसा, जिनके ऊपर डिविडेंड हमने क्या कर रखा है, एबियांस में होल्ड कर रखा है। अगर ये मैटर क्लियर होता, अगर ये मैटर क्लियर होता, क्या ये अनपेड डिविडेंड में अमाउंट जाती, 30 दिन के अंदर कब का बांट के साइड पे होता कि लो जी इन्होंने ट्रांसफर डीड दी, मैंने ट्रांसफर डीड आगे क्या कर दी, रजिस्टर्ड कर दी, नया ऑनर ये है, लो जी आपके नाम का चेक, आपके नाम का डिविडेंड वारंट, लो जी आपका डिविडेंड। अब पंगा क्या पड़ गया, मेरे पे ऑब्लिगेशन है कि 30 दिन के अंदर पेमेंट क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जब से डिविडेंड आपने क्या करा, डिक्लेयर करा, वहां से 30 डेज के अंदर डिविडेंड बट जाना चाहिए। बट अगर नहीं बटा, अगर नहीं नेक्स्ट ऑन गया, तो उस केस में अब मैं क्या करूं सर, यहां मैं बांट भी नहीं सकता, क्यों, सेक्शन ने मुझे खुद कहा, कहते ना अगर कोई ट्रांसफर डीड तेरे पास आई है और वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई, उनका पैसा अलग रख लो। तो वन ऑफ द कारण अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाने का वो कौन है सर, उन शेयर्स का डिविडेंड जिनके ऊपर ट्रांसफर करना, अभी ये रजिस्ट्रेशन करना क्या है, पेंडिंग। ओके आगे चलिए, हाउ एवर मेन, अच्छा पॉइंट, हाउ एवर यस प्लीज। The dividend shall not be transferred to the unpaid dividend account, बट but शैल बी पे टू द, क्या लिखा हुआ है, कहता transferee. जी कोई आगे अनपेड में लेके जाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफरी को दे दो। मैं कह सर ये गलत नहीं हो जाएगा, आपने तो ऊपर क्या कहा था कि ऐसे डिविडेंड वो किस में रखो, अभ्यांश में रखो, और यहां पे तुम कह रहे हो किसको दे दो, ट्रांसफरी को दे दो। मैं कह रुक तो सही, आगे पढ़ क्या लिखा हुआ है, इफ दी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैज ऑथराइज्ड द कंपनी टू पे द डिविडेंड टू द ट्रांसफर। मेरे पास डीड किसने भेजी, किरण ने। नेक्स्ट आगे शेयर ट्रांसफर किसको हो रहे थे, काजल को। इस ट्रांसफरर ने खुद कंपनी को ऑथराइज कर दिया कि आप न्यू ओनर को डिविडेंड क्या कर दीजिए, मेरा पे कर दीजिए। डन सर, मैटर सॉर्ट आउट, कोई अभ्यास में नहीं रखेंगे, कोई अनपेड डिविडेंड में नहीं जाएगा। मेरे को यार जिसको देना था उसने खुद ही तो कह दिया, देना किसको था, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, उसने खुद ही कह दिया कि ट्रांसफरी को मेरा डिविडेंड दे दिया जाए। डन सर, दो चीज, क्योंकि आप पीछे रीड आउट करो, लास्ट आपने क्या कहा था कि डिविडेंड किसको पे होता है, टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू द ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, उसने खुद ऑर्डर दे दिया, अपन ने चेक बनाया, नए ट्रांसफरी को दे दिया, मैटर सॉर्ट आउट। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, हाँ जी, एनी ऑफर। Of right shares or bonus shares made by the company shall remain pending. और अगर इन्हीं दिनों में कंपनी ने कोई बोनस दिया, कंपनी ने कोई राइट दिया, एंड फिर वही बात, कौन से शेयर्स हैं जिनके रिगार्डिंग ट्रांसफर होना अभी पेंडिंग है। कहते सर सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, सब कुछ एबियांस में हेल्ड में चला जाएगा कि एक बार के लिए ट्रांजैक्शन रोक दो, इनको ना डिविडेंड देना, इनको ना कोई बोनस, ना कोई अपना राइट शेयर, कुछ नहीं देंगे, ये सारे के सारे किस में पड़े रहेंगे, एबियांस में पड़े रहेंगे। और जैसे ही मैटर इनका सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो जो इनका पेंडिंग पड़ा है ना सारा दे, अब या तो पुराने को मिलेगा या किसको मिलेगा, नए को मिलेगा। वैसे लीगली वर्ड अगर वही बात करें, जब तक मैंने इसको इशू करा है तब तक तो आप ही ओनर थे, पुराना पर्सन ही ओनर था ना। हाँ बट अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर खुद कह दे, क्या कह दे कि मुझे देने की जरूरत नहीं है, न्यू ट्रांसफरी को दे दो, फिर हमें कोई इशू नहीं, हम तो अपना चेक बनाएंगे, डिविडेंड आपके नाम पे क्रेडिट कर दें। क्लियर, चलिए, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ, हाँ जी हाँ जी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, इसको लिख ले, लॉ में जो मर्जी लिखा हो,
इस वर्ड का मतलब नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब सर इस 126 का, इस सेक्शन 126 का बाकी एक्ट की प्रोविजंस के ऊपर क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट होने का मतलब तेरे फलाने सेक्शन में जो मर्जी लिखो ये लगेगा, फॉलो ये होगा। उसने बेशक तुझे कहा हो कि 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, छोड़ दे। 126 ने क्या कहा कि अगर उनके रिगार्डिंग कोई ट्रांसफर डीड आई हुई है और ट्रांसफर डीड अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, किसी की नहीं सुननी, सीधा 126 के मुताबिक उसका पैसा एबियांस में रख दे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रख दे, और ये कोई डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। क्यों मैंने वर्ड के लिख दिया, साथ में ये भी पावर दे दी, सेक्शन 126 का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा किन पे, बाकी सारी एक्ट की प्रोविजंस पे। इसको वर्ड कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, मींस जो मर्जी लिखा हो, इन सिंपल वर्ड्स जो मर्जी लिखा हो तेरे एक्ट में लगेगा कौन, 126। तो कहीं भी किसी भी सेक्शन में अगर वर्ड आपको पढ़ने को मिल जाए नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन दिस, इसका मतलब तेरे उस फलाने सेक्शन में जो मर्जी लिखा हो लगेगा तो ये वाला जिसकी तुम बात करो, इसका मतलब ये होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर केस स्टडीज आपको बहुत मिलने वाली हैं, आगे काफी डिस्कशन इसके ऊपर होने वाली है, दैट इज 127। क्योंकि अब बात आ रही है, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फेलियर। किस बात की फेलियर? टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड विद इन कितने दिन में, क्योंकि तुझे कहा गया था कि 30 दिन के अंदर डिविडेंड क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। तूने करा नहीं। अब उस केस में होगा क्या, कहते सर ये तो डिफॉल्ट काउंट हुआ, एंड डिफॉल्ट काउंट हुआ तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पनिशमेंट लगेगी एज पर सेक्शन 127। पढ़िए सर द टाइम लिमिट क्या है जी, द डिविडेंड शैल बी पेड, यस दैट इज डिविडेंड वारंट शैल बी पोस्टेड। मतलब पेड होना या डिविडेंड वारंट पोस्ट होना एक ही बात है। डिविडेंड वारंट्स क्या होते हैं, जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में एक बार बताया था, लाइक कूपन्स देने, कि मैंने आपके नाम का एक डिविडेंड वारंट बनाया है तो वो भी कैश ही है। हाँ बस आज कैश नहीं होगा, वो कल आप जब मर्जी आके कैश करवा सकते हो। मैंने आपको पर्ची दे दी, क्या उसके ऊपर लिख के दे दिया कि मैंने तुझे 5000 देना, दैट इज डिविडेंड वारंट, कि भाई तू जब मर्जी आई हो ये पर्ची ले आई हो साथ में, मेरे से 5000 ले जाओ। और फिर भी 30 दिन के अंदर दे तो दिया, या तो पैसा ही दे दिया या डिविडेंड वारंट क्या थे मैंने क्या कर दिए, पोस्ट कर दिए, कर तो दिए। आगे चल, विद इन कितने दिन में, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स। अब रूल के मुताबिक अगर तुझसे पूछा जाए कि ये बात कहां लिखी हुई है कि 30 दिन के अंदर पैसा पे हो जाना चाहिए, सेक्शन 127, वो पिछले वालों में सुना बहुत था, लिखा कहीं नहीं हुआ था। एग्जैक्टली लैंग्वेज किसमें लिखी हुई है, 127 में, कि सर टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट कितना होता है, 30 days, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जिस दिन से आप डिविडेंड क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ओके जी, पनिशमेंट भी सुन लीजिए, पनिशमेंट क्या है जी, अगर मान लो मैंने डिविडेंड टाइमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, पढ़िए पनिशमेंट फॉर, सबसे पहले किसके लिए, एक बात बताओ क्या कंपनी खुद से कोई एक्ट करती है, कंपनी तो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी तो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट लीगल पर्सन है, तो लीगल बट आर्टिफिशियल है जी, नेचुरल थोड़ी अपने जैसे, तो कंपनी खुद तो कुछ करेगी नहीं, कंपनी काम किससे करवाएगी, थ्रू इट्स ह्यूमन एजेंसी। ह्यूमन एजेंसी में कौन बैठे होते हैं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो कहीं ना कहीं कंपनी का कोई नॉन कंप्लायंस होना, कंपनी का कोई सेक्शन फॉलो ना होना, हमेशा वर्ड कहां लेकर आएगा, सर इनके डायरेक्टर्स में कमी है, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, डायरेक्टर्स के पास। तो ऑन क्या लिखा हुआ है, पनिशमेंट फॉर एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट, जिसको भी इस डिफॉल्ट के बारे में पता था। इसको पता क्या कहते हैं, देखो जी अगर तो तुम में से कोई डायरेक्टर ऑथराइज था, जैसे पावर बांटी हुई है तो 15 डायरेक्टर है, सारे थोड़ी कहते नहीं सर हमारे में से इस पर्सन की ड्यूटी थी जो ये डिविडेंड का मैटर सारा ये क्लोज अप करेगा, तो सर इसके ऊपर लाइबिलिटी, ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे। हाँ बट अगर तुम्हारे में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तुम्हारे में कोई पावर जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखी, काम डिवाइड नहीं हो रखा, सारे जिन जिन को इस मैटर के बारे में पता था ना, सारे डायरेक्टर्स के ऊपर ये लायबिलिटी आएगी, क्योंकि ये बहुत बहुत बेसिक लायबिलिटी है, एक बहुत बेसिक प्रोविजन है, डिविडेंड का कंप्लायंस नहीं करा, चलो बाकी तो मानना, अरे डिविडेंड तो टाइमली बांट रहा, सबको देना चाहिए। अब कोई डायरेक्टर को सर हमें तो पता नहीं था इतना, ये संगीन जुर्म है, आपके ऊपर तो लायबिलिटी आएगी जी। हु इज नोइंगली अ पार्टी टू डिफॉल्ट, क्या लिखा हुआ है,
इम्प्रिजनमेंट, पहली बात तो सीधी जेल। मैक्सिमम कितनी सर?2 years। अच्छा मैक्सिमम है, कोई मिनिमम नहीं। हो सकता है सर 10 दिन की। हाँ सर मैक्सिमम 2 years लिखा हुआ है, 10 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की, पर ज्यादा से ज्यादा 2 साल। मिनिमम का कोई क्लॉज नहीं, पर होगी जरूर, होगी जरूर, क्योंकि वर्ड देखो साथ में क्या लिखा हुआ है, एंड। कल्ला फाइन लेके निसारेंगे, जेल तो भेजेंगे, जेल तो भेजेंगे जी। वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंड। या तो होता और मींस दोनों में से कोई, या तो फाइन ले लो या अगले को जेल भेज दो। कहते ना जी जेल भी भेजेंगे, वो तुम देख लो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन या जिस भी अथॉरिटी के पास ये मैटर जाएगा, एनसीएलटी की डिस्क्रिप्शन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसके पास भी ये मैटर जाएगा, अपनी ओर से आप अपना डिसीजन पास करिए, पर मैक्सिमम सजा 2 साल। एंड फाइन मिनिमम कितना सर? 1000 पर। अब ये देख मिनिमम लिख दिया, मिनिमम 1000 पर डे फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। चलता जा, जितने दिन का डिफॉल्ट होगा मल्टीप्लाई बाय 1000। ये पेनल्टी आप लोगों को पे आउट यहां पे करनी पड़ेगी। और कंपनी पे बस पनिशमेंट ये है, अब कंपनी को जेल तो भेज नहीं सकते, कंपनी तो आर्टिफिशियल है, उसके लिए कौन जाएंगे? उसके डायरेक्टर जाएंगे, वो जाए। क्लियर? पनिशमेंट फॉर द कंपनी क्या है? पे। वर्ड क्या लिखा हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना सर? 18%। अब जितने दिन डिविडेंड तुम डिले करोगे विद इंटरेस्ट, 18% पर एनम के हिसाब से जितने दिन डिले करोगे उतने दिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पे आउट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बड़ा माइन्यूटली पढ़ना जी इन थिंग्स को, बड़ा अच्छे से एक बार टेकअप करिएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज पढ़िए जी। हाँ जी, एक्सेप्शंस होने का मतलब, व्हाट इट मींस बाय एक्सेप्शंस? हाँ, इन पे ये पनिशमेंट अप्लाई नहीं होगी, दैट मींस वो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर ये फॉलोइंग पॉइंट्स। क्लियर? एक्सेप्शंस को लिख लीजिए, मींस डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 127 नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 127 नहीं माना जाएगा। क्लियर? अब इसमें है क्या? पहला पॉइंट पढ़िए जी, वेयर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, किसी कानूनी कारण, किसी लॉ की ऑपरेशन के कारण हम वो डिविडेंड तुम्हें दे नहीं सकते। हमें बार बार उकसाइए मत, हमें बार बार कहिए मत कि सर डिफॉल्ट हो जाएगा। मैं कह डिफॉल्ट की एक्सेप्शन में जाके पहला पॉइंट पढ़ ले, अगर किसी कानूनी कारण, किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण अगर डिविडेंड नहीं दिया जा सकता तो वो डिफॉल्ट नहीं माना जाता, क्योंकि लॉ ने तुझे रोका। मैं नहीं रुका, मैं अपनी ओर से डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मुझे रोका गया, वो भी किसके द्वारा? किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण। कोई कानून मेरे सामने आ गया, कोई अल्टीमेट ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ गई कि मेरे लिए कानून नहीं, वो पैसा देना गलत होगा, मैंने पैसा नहीं देना। डन, एक पॉइंट। दूसरा, दूसरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है जी वर्ड, वेयर। यस प्लीज। A shareholder has given directions to the company regarding payment of अब dividend. आप लोगों ने कई बार देखा ना कि शेयर होल्डर्स भी अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किसको दे देते हैं? कंपनी को, कि अगर मुझे डिविडेंड दिया जाए तो इस वे से दिया जाए। कोई डायरेक्शन शेयर होल्डर ने दी होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, कोई डायरेक्शन शेयर होल्डर ने मुझे दी होंगी, बट सर आगे पढ़िए, दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी, क्या लिखा हुआ है? वो डायरेक्शंस कंप्लाइड नहीं हो सकती। जैसे आपने मांगा, जैसे आपने कहा, आप कह रहे हो जी डिविडेंड मुझे नगद दे दो, मैं कह सर नगद तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने पढ़ा नहीं कि आजकल डिविडेंड जितने भी पे होते हैं कैश, मतलब थ्रू बैंकिंग चैनल होगा, नगद तो अलाउड ही नहीं है। वो कह रहा ना जिद कर रहा है जी मेरे को तो नगद ही दिया जाए, मैं कह नहीं दिया जाता सर। दोज डायरेक्शंस, या मान लीजिए सपोज कि मुझे तो बाय चेक दिया जाए, किसी भी तरह की डायरेक्शन लगाई, बट वो डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं हो सकती। एंड द सेम हैज बीन, क्या लिखा हुआ है? और ये बात मैंने उसको बता दी थी, और ये बात मैंने उसको बता दी थी। मैं कह सर जैसा आप चाहते हैं ना वैसा नहीं हो पाएगा, और ये सेम चीज मैंने आपको कन्वे कर दी थी, मतलब तुझे पता था। कंपनी ने अपना ऑब्लिगेशन बड़ा सही तरीके से खत्म करा। कैसे? देखो जी, अगर मान लो सपोज तुमने डायरेक्शन दी, मैंने कंप्लाई नहीं करी और मैंने तुझे बताया भी नहीं, फिर तो डिफॉल्ट किसका? कंपनी का। तुझे बताना चाहिए था। मैं कह सर चेक कर लो,
जो भी डायरेक्शन उसने मुझे प्रोवाइड करी, मैंने साथ के साथ उसको रिप्लाई करा है, सर ये डायरेक्शंस फॉलो नहीं हो सकते, इसके मुताबिक आपको डिविडेंड नहीं मिला सकता। डन सर, मैंने आपको बताया। अगर मैं ना बताऊं, मेन चीज यहां पे एक केस स्टडी आपको मिल सकती है, अगर मैं ना बताऊं कि जो भी डायरेक्शंस आपने दी वो कंप्लायंट नहीं हो सकती, व्हाट एवर बी द कारण, क्या तूने बताया? सिंपली कंपनी से एक चीज पूछी जाएगी, क्या तुमने बताया कि ये डायरेक्शंस कंप्लायंट नहीं हो सकती? कहते जी बताना तो रह गया डिफॉल्ट, क्योंकि कंडीशंस में एक्सेप्शंस में क्या लिखा हुआ है, हम माफ तब करेंगे, हम 130 का डिफॉल्ट तब नहीं मानेंगे अगर शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दी, वो डायरेक्शन कंप्लाई नहीं हो सकती और तुमने ये सेम बात आके उसको क्या कर दी, कम्युनिकेट कर दी, देन तुम्हें माफी है। इसको एरो डाल के ऊपर मेंशन कर लीजिए, अगर कम्युनिकेट नहीं करा तो कंपनी के लिए डिफॉल्ट माना जाएगा। इस पॉइंट पे पर्टिकुलर लिख ले, क्योंकि केस मिल सकता है यहां। अगर कंपनी ने नहीं बताया, देन सेक्शन 127 का डिफॉल्ट माना जाएगा, देन सेक्शन 127 का डिफॉल्ट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए, वेयर, डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड। अच्छा लॉफुली प्रॉपर लीगल वे से आपका पैसा कंपनी ने क्या कर लिया जी, एडजस्ट कर लिया अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने आपको डिविडेंड देना है और कुछ पैसे आपसे लेने भी हैं, बट द पॉइंट इज क्या वो जो पैसा तुमने लेना था, जो तुमने पैसा शेयर होल्डर से लेना था, क्या कोई लॉफुल पैसा था? अगर तो लॉफुली, हाँ कानूनी तौर से वो पैसा उससे लेना था मैंने और मैंने तुझे देना है, क्यों ना मैं सेट ऑफ कर लूं, मैं पहले तुझे दूंगा फिर तुझसे पैसे लूंगा। मैं क्या बेटर, मैं क्या सर जी मैंने आपको पैसे देने हैं 5,000 और आपसे 5,000 लेना भी है, सेट ऑफ भी करवा लो, और या तो कहो कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे कि मैंने इसको पैसे देने और इससे लेने थे ये दे नहीं रहा था, मैं कर लाया भी सेट ऑफ, कहते फिर गलत। क्या वो पैसा जो तुमने शेयर होल्डर से लेना है, जिसको तुम एडजस्ट करने की बात कर रहे हो, क्या वो पैसा लॉफुली लेना था तुमने? अगर तो लीगली पैसा वो लेना बनता था और तूने पैसा देना था उसको एज अ डिविडेंड, आप एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये एडजस्टमेंट कोई सेक्शन 127 का डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी, ये एक्सेप्शंस में क्या करेगी, फॉल करेगी। अब लेट इट बी, मैंने आपसे कॉल के पैसे मंगवाने थे जो शेयर्स के ऊपर पेंडिंग है, 2-2 रुपए, डन, और इधर से मैंने आपको डिविडेंड देना भी था, मैं कहा ठीक है आपसे पैसे लूंगा और आपको पैसा दूंगा, और पहली बात क्या कॉल का पैसा मंगवाना क्या लॉफुली पैसा है? यस, सेक्शन में लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर को कॉल्स क्या करनी होती हैं, पे करनी होती हैं, मैंने कंपनी ने उसको क्या करी, कॉल करी और आपको पैसा देना भी पड़ेगा, मैंने उस पैसे को एडजस्ट कर लिया। मैं कैसे करो सर, रहन दो देने की जरूरत नहीं है, वो आपने मुझे देने थे क्लियर और मैंने आपको पे करने थे, मैंने उसमें से क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिया, डन सर चलेगा। बस द प्रोवाइडेड वर्ड इज पैसा लॉफुली लेने वाला हो तो तुम एडजस्ट कर पाओगे, तो सेक्शन 127 में डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, अदरवाइज मतलब इन एक्सेप्शंस को बड़ा माइन्यूटली पढ़ने वाला पॉइंट है कि अगर माफी कब मिलेगी, 127 का डिफॉल्ट कब नहीं माना जाएगा, आप वो पॉइंट्स पढ़ लो। आगे चलिए नंबर 4, वेयर देयर इज अ, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्यूट या सर कोई डिस्प्यूट चल रहा है जी, राइट टू रिसीव को लेकर कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, अगर कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, नहीं सर आप पेमेंट नहीं करोगे आप रख लो, और कंपनी कहती हम कैसे रख लें, हमारे पे डिफॉल्ट आ जाएगा, कोई डिफॉल्ट नहीं है, एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है, जाके पढ़ लीजिए कि जहां पे डिविडेंड आप क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि राइट टू रिसीव द डिविडेंड का क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। आगे, एंड वेयर द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, मतलब सर कंपनी की गलती के कारण कुछ नहीं, कोई शेयर होल्डर की गलती किसी वजह से रहा बट कंपनी नेग्लिजेंट नहीं थी, कंपनी की कोई गलती नहीं थी, कंपनी अपना प्रॉपर वे से जैसा डिविडेंड बनता है वैसा पे कर रही थी, मतलब मेरी गलती नहीं रही जी उसमें। अगर ये 5 केस होंगे देन आपको एक्सेप्शन में रखा गया कि बेशक तुम डिविडेंड ना भी दो
तो भी कोई इम्प्रिजनमेंट, कोई आपके ऊपर फाइन, कोई इंटरेस्ट एंड ऑल कुछ नहीं देना। सेक्शन 127 तेरे पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी पांच? नंबर वन, सबसे पहला, जहां पे डिविडेंड किस कारण नहीं दिया जा रहा, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा, दूसरा क्या, जहां पे शेयर होल्डर ने कंपनी को क्या प्रोवाइड करी, डायरेक्शंस, एंड वो डायरेक्शंस कंप्लाइड नहीं हो सकती, एंड कंपनी ने सेम वो कम्युनिकेट कर दिया कि नहीं सर ऐसी डायरेक्शंस फॉलो नहीं हो पाई। डन सर, तूने बता दिया, तेरा ऑब्लिगेशन खत्म। तीसरा, तीसरा क्या था, जहां पे आपने पैसे को लॉफुली क्या करवाया, एडजस्ट करवाया एज पर द जो भी अपना लेने देने वाला था। नंबर फोर, नंबर फोर क्या था जी, जहां पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है राइट टू रिसीव होने का, मेरे को ये नहीं समझा रहा इसको दूं उसको दूं, इनके आपस में तो डिस्प्यूट चल रहे हैं। एंड द लास्ट इज जहां पे कंपनी की गलती नहीं हो, सिंपल वर्ड्स। चलिए यहाँ पे केस है जी, छोटा सा वर्ड आपके पास है, पढ़िए। यस, कोमल लिमिटेड। declares a dividend for its shareholders in its AGM held on 27 September 2020. 27 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897 एंड कंपनीज एक्ट 2013, दो एक्ट को मिक्स करके दिया गया है, और ये आपके सिलेबस में भी है, जर्नल क्लॉजेस भी है। क्लियर? एडवाइस नंबर वन, द डेट्स ड्यूरिंग विच कॉमन लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड, टू पे द डिविडेंड, एंड द डेट्स ड्यूरिंग विच कॉमन लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड टू द अनपेड डिविडेंड का। अरे सर, वो डेट्स का चक्कर है और कुछ नहीं है। पहले सिंपल बताओ, 27 को डिक्लेयर हुआ, क्या 27 काउंट करोगे? नो, एज पर द जर्नल क्लॉजेस एक्ट, ये चीज वहां पे लिखी हुई है। जो आप कहते हो ना कि सर जैसे अपन टू एंड फ्रॉम, तो एक दिन हम काउंट नहीं करते होते बीच में, अपन नेक्स्ट डे से काउंट करते हैं ना, जैसे लिखा हुआ था विद इन 5 डेज। काउंट करियो 27 से, 27 सितंबर से 5 दिन कब होंगे, 27 तारीख से 5 दिन, 27 तो छोड़ दो, 28, 29, 30, क्लियर? सितंबर 30 का एक और दो, बट 2 तारीख की क्या है, अक्टूबर, नेशनल हॉलीडे। अब नेशनल हॉलीडे के केस में यहां पे कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा या नहीं, लिखा हुआ इतना डिटेल में नहीं गया, वैसे अपनी 2 तारीख तक पैसा जमा हो जाना चाहिए, और जब तुझे पता है कि 2 तारीख को नेशनल हॉलीडे है, तो दो, नो नो नो, दो नहीं, एक तारीख, प्रोसीडिंग डे नॉट द सक्सीडिंग डे, नेशनल 15 अगस्त है, पता तो है आ रही है, तो भाई 14 को काम निपटा लो। मैं कहा जी हमारी ड्यू डेट तो 15 बनती थी, जर्नल क्लॉजेस में ये बात लिखी गई है, क्या अगर कोई चीज नेशनल हॉलीडे है एक दिन पहले, अगर एमरजेंसी हॉलीडे है तो मिल जाएगा एक्स्ट्रा डे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पढ़िए, यस, कॉमन लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड ऑन। अच्छा, पहली बात तो डिविडेंड की डेट 27 सितंबर था, वहां से 30 दिन काउंट कर, क्लियर? तो कितना बना, 27 अक्टूबर, सिंस एज पर द सेक्शन दिस। हाँ जी, Of Companies Act 2013, dividend shall be paid within 30 days of its declaration. Since, as per Section 9 of the General Clause Act 1897, where the word "from" is used in a provision in an Act which relates to computation of any period of time, the बिल्कुल सर। first day in such period of time द shall be फर्स्ट excluded. डे इन पीरियड ऑफ सच टाइम, मतलब 27 सितंबर, 27 को तुमने काउंट नहीं करा ना, क्योंकि वो क्यों नहीं काउंट करा, वो जर्नल क्लॉजेस में लिखा हुआ है। आगे, यस प्लीज, कॉमन लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अमाउंट। अच्छा, पे कब तक हो जाना चाहिए था, 27 को, अब 27 छोड़ दे, वहां से 7 दिन, 7 दिन काउंट कर, 7 दिन काउंट कर, 28 अक्टूबर, 29, 30, 31, 1, 2, 3, कितनी डेट आनी चाहिए सर, 3 अक्टूबर, क्लियर सर, सॉरी 3 नवंबर, 3 नवंबर तक, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर। इसीलिए डेट्स को बार बार पढ़ा रहा था तेरे सामने, केस पढ़ा, ऐसी ही केस स्टडी, ऐसी ही केस स्टडी, और कोई ज्यादा पुरानी नहीं, नवंबर 18 में ये क्वेश्चन आपके पास आया हो। इन बुक्स को सॉल्व करने का यही मोटिव होता है कि कॉन्सेप्ट आपने करा, साथ के साथ क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। वैसे आजकल तो आईसीआई मॉड्यूल बड़े अच्छे बना दिए, मैं लेटेस्ट वाले देख रहा था, आईसीआई मॉड्यूल इतना बढ़िया बना दिया, इतनी इलस्ट्रेशन, इतनी एग्जांपल्स एंड ऑल, बट वो इतना ज्यादा इलेबोरेट कर जाते हैं, कंटेंट बहुत बढ़ जाता है, और वही पब्लिशर की बुक्स, नेशनल लेवल की बुक्स जो आप लोग ये फॉलो करते हैं, इनका फायदा यही है कि आपको पेपर से पहले सर दिस जस्ट एक बुक, एक ही बुक है जी, यही पढ़नी है हमने, वो मॉड्यूल में 3 4 तो मॉड्यूल होते हैं, बंदा पहले ही घबरा जाए, इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, है क्या, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दी, उससे बेटर है एक ही बुक पढ़ो विद क्वेश्चंस बीच में है। हाँ, मॉड्यूल में से जो चीज करनी है दैट इज एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज, वो जरूर करनी है,
वो मैं ही करवाऊंगा यहाँ पे, हर चैप्टर कंप्लीट होते ही बैक एक्सरसाइज के सिर्फ क्वेश्चन, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखिए कितना टॉपिक आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट इज, ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो आप सेल्फ स्क्रीन करेंगे, पहले टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट इज रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड। हाँ जी पढ़िए जी सर, नो रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड, व्हाट डू यू मीन बाय रेवोकेशन? वापस लेना, कैंसल करना, रिवोक करना। कहते एक बात बताओ, पहले तो बड़ी खुशखबरियां बांट रहे थे कि डिविडेंड देंगे, अब ऐसे भी क्या हालात आ गए जो तुम कह रहे हो कि डिविडेंड रिवोक कर दें? नो, अब डिविडेंड रिवोक करने का कोई चांस नहीं है, किसी तरह की रेवोकेशन अलाउड आप लोगों को नहीं है। पहले तुमने कहा ही क्यों, पहले आप लोगों ने डिक्लेयर करा ही क्यों? अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी थी, अगर तुझे लगता था, आपने तुझे पूरा कार्यक्रम बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करा, एजीएम में बात रखी गई, मेंबर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है, अब तुम कह रहे हो डिविडेंड मुकरने की बात? नहीं सर, अब तो डिविडेंड देना पड़ेगा जी, अब रिवोक थोड़ी होगा। पढ़िए, सेक्शन 127 रिक्वायर करता है कि जब 30 दिन में पे हो जाना चाहिए तो पे हो जाना चाहिए। आगे सेक्शन 127 ऑल्सो कवर, क्या लिखा हुआ है? मैंने इवन तुझे सिर्फ ये अच्छा मैं रिवोक नहीं बता रहा था, क्या मैंने 127 में ये कहा कि देना ही मत? मैंने ये कहा था इन कारणों से अगर आपने नहीं दिया, देना तो है, अगर नहीं दिया तो वो सेक्शन 127 का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, यही कहा आपने, ना देने की तो बात ही नहीं हो रही, ना देने की तो बात ही नहीं हो रही। आगे चलिए, यस सेक्शन 127 ऑल्सो कवर्स सर्टेन सर्कमस्टांसेस। in which non-payment of dividend within 30 days does not amount to contravention. मतलब रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट वन ऑफ द ग्राउंड, ऊपर चेक कर लीजिए 5 पॉइंट्स में कहीं तुझे वर्ड रेवोकेशन दिख रहा हो, मतलब ही नहीं, क्योंकि रेवोकेशन तो अलाउड ही नहीं है। क्लियर? सो रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट अ ग्राउंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दस ऑर्डिनरली जर्नली अ डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। सिंपल सेंस में, एक बार डिक्लेयर अगर कर दिया गया तो वापस नहीं होगा, देना पड़ेगा ही पड़ेगा, बट हर चीज की कोई ना कोई क्या होती है, एक्सेप्शंस तो होती हैं, कारण तो कोई रखेंगे। क्या चीज कहता, वेयर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज, जहां पे डिक्लेयर ही क्या होकर किया जा रहा है, अल्ट्रा वायस बियॉन्ड द पावर्स, कंपनी के मेमोरेंडम से बाहर होकर, फिर तो वो चीज वैसे ही क्यों एप्लीकेबल होगी कंपनी पे? क्योंकि जो एक्ट मेमोरेंडम से बाहर गए वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी वो हर एक्ट कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम में, जो उसके बायलॉज में लिखी हुई है। क्लियर? पढ़िए, वेयर द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑल दो द कंपनी हैज नॉट अर्नड, क्या लिखा हुआ है, सफिशियंट प्रॉफिट्स। एंड आगे द डिक्लेयर्ड डिविडेंड कैन नॉट बी, द डिक्लेयर्ड डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड, हाउ एवर इफ, और तुमने अगर इलीगली डिक्लेयर डिविडेंड को क्या करा, देखो वर्ड क्या यूज कर रहा है, इलीगली, इलीगली डिविडेंड डिक्लेयर को अगर आपने क्या करा, पे करा, जबकि गलत है, कंपनी दे नहीं सकती थी उस केस में, तुमने फिर भी बांट दिया, तुमने फिर भी डिविडेंड दे दिया। आगे द डायरेक्टर शेल बी लायबल टू इंडेमनीफाई द कंपनी, क्योंकि कंपनी तो कुछ करती नहीं है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के बिहाफ पे किसने करा होगा? सर एक एक की जेब से पैसे निकलवाएंगे, जितना ये इलीगली बांटेंगे ना, जब कह तो दिया वर्ड तो तुम कह रहे हो इलीगल डिविडेंड, और तुम फिर भी कंपनी का पैसा उसमें क्या कर रहे हो, बांट रहे हो। सर ये तो अलाउड ही नहीं था, ये तो अलाउड ही नहीं है, एंड बोर्ड को ये पावर किसने दी उसको बांटने की? कहते जिसने बांटा है ना उसकी जेब से ही इंडेमनिफिकेशन करवाई जाए, उसको कहो कि अल्टीमेटली वो सारा पैसा कंपनी को क्या करे, वापस करे, आगे उसको मिले ना मिले हमें नहीं पता, पर तूने गलत करा, तूने यहां पे क्या करी है, गलती करी है, सेक्शन 127 का अल्टीमेट तूने डिफॉल्ट करा है। आगे बढ़िए, यस दैट इज दे शैल बी, शैल बी क्या लिखा हुआ है, इसको लिख ले, अगर इलीगल डिविडेंड पे किया गया तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे, लिखे यहां पे अपनी लैंग्वेज में मेंशन करिए, अगर इलीगल डिविडेंड पे किया गया, अगर इलीगल डिविडेंड पे किया गया देन डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे। यार मैंने तुझे अच्छी वाली पावर दे दी थी, क्या द डिक्लेयर डिविडेंड कैन बी, क्या हो सकता था, रिवोक्ड, और तुम्हारे डायरेक्टर इतने शातिर फिर भी पे करवा दिया। मैंने तुझे पावर दी ना, मैंने एक्सेप्शन में क्या कहा कि सर हो सकता है कोई डिविडेंड कई बार गलती से डिक्लेयर हो गया,
क्लियर, अल्ट्रा वायर डिक्लेयर हो गया किसी भी सिनारियों में। जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा था क्या, जब रिजर्व्स में से पैसा निकलवाते हैं तो उस टाइम पे डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल की एवरेज से एक्सीड नहीं करेगा। पता नहीं कैसे ना कैसे कोई सिचुएशन हैपन हुई, एवरेज आ रही थी 12%, मेंबरों से डिक्लेयर कितना हो गया 15%। चलो हो गया, गलती हुई, अल्ट्रा वायर हो गया, तो फिर सेक्शन में लिखा भी तो हुआ था कि उस डिविडेंड को क्या करवा दो, रिवोक करवा दो, या तो को सेक्शन ने तेरा साथ नहीं दिया, तुझे पावर भी दी गई कि जाके उसको क्या करवा ले, रिवोक करवा ले, और तेरे डायरेक्टर इतने शातिर उसको पे करवा दिया 15%। हाइप क्रिएट करने के लिए मार्केट में क्या करा, पे करवा दिया कि चलो नाम तो जाएगा, 15% दिया, देखो जी हमने तो 12% कहा था फिर भी आपको 15% दिलवाया। फिर करवाया तो गलत है ना, जिन जिन डायरेक्टर्स ने ये इलीगल एक्ट करा होगा कंपनी के नाम पे, वो सारे डायरेक्टर्स पैसा पर्सनली क्या करेंगे, बियर करेंगे, कंपनी का नुकसान नहीं होगा, कंपनी का नुकसान नहीं होगा, समझे पॉइंट। पहली एक्सेप्शन अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर मींस इलीगल डिविडेंड पे किया गया, तो डायरेक्टर्स क्या होंगे, पर्सनली लायबल होंगे, जबकि अल्ट्रा वायर्स डिविडेंड में रिवोक करने की ऑप्शन होती है कि कोई डिविडेंड अगर अल्ट्रा वायर्सली पे किया गया या डिक्लेयर किया गया, यू कैन रिवोक इट, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। एक सिनारियो, मतलब पहली एक्सेप्शन, पहली एक्सेप्शन क्या थी, अल्ट्रा वायर्स। नंबर टू, वेयर द कंपनी सीजेस टू बी, क्या लिखा हुआ है, हालात हालात तुम्हारे बंद होने के हैं और तुम बांट रहे हो डिविडेंड को, क्या ये अच्छा लगेगा। कहते सर जहां पे आपकी गोइंग कंसर्न क्या हो चुकी, इफेक्ट हो चुकी ना, गोइंग कंसर्न अगर आपकी इफेक्ट हो चुकी, वहां पे डिविडेंड में भी क्या हो सकता है, रिवॉक्ड हो सकता है। जैसे आपने 30 डेज कहा था, मेंबर्स ने जब अल्टीमेटली 27 सितंबर को हुई थी ना अपनी एजीएम, ये लास्ट वाली 27 सितंबर को हुई, मैंने पैसा अलग निकाल के भी रखा, पर क्या करें सर, 10 अक्टूबर को अपनी फैक्ट्री में जी लगी आग, इतनी ज्यादा मेजर फायर लगी, सारा का सारा डिस्ट्रक्शन हो गया, एंड दैट इज इररिपेयरेबल, कि दोबारा उस लेवल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। मतलब उस आग लगने से क्या हिट हुई, गोइंग कंसर्न। अब जहां पे तेरी बात गोइंग कंसर्न पे आ गई, वहां पे तुझे एक्सेप्शन दी गई कि वो जो डिविडेंड अभी 27 सितंबर को डिक्लेयर हुआ था, वैसे 30 दिन 27 अक्टूबर तक पे हो जाना चाहिए था, बट मेजर हैपनिंग ऐसी हुई जिसने आपकी गोइंग कंसर्न को क्या कर दिया, हिट कर दिया, तो उस केस में आप डिक्लेयर डिविडेंड को वापस कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। सो ओनली एंड ओनली दो केस, इसके अलावा और कोई नहीं होगा, गोइंग कंसर्न सीजेस। बताओ जी यहां तक डन, चले आगे। चलिए लास्ट केस, आई थिंक सो लास्ट ये देखना एक बार, उसके बाद तो एक छोटा सा केस, नहीं एक पॉइंट और है। यस, एंटायरम डिविडेंड, पढ़िए जी, सेक्शन 2 क्लॉज 35 एंड सेक्शन 123 सबसेक्शन 3, क्लियर। क्या कहता है कि डिविडेंड इंक्लूड्स, ये तो पहली लाइन थी हमारी, डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम डिविडेंड, बिकॉज इस टॉपिक में अभी तक मेजर डिस्कशन में कौन रहा, फाइनल डिविडेंड, बट अब प्योरली किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंटायरम, क्लियर। और एंटायरम डिविडेंड को आपने क्या कहा था, दैट डिविडेंड विच इज पेड बिटवीन टू एजीएम्स, दो एजीएम्स के बीच में। इसमें क्लैरिटी सुन ले, एक नया पॉइंट बता रहा हूं, क्या मीनिंग पढ़ियो, वर्ड क्या लिखा हुआ जी, पहले डिविडेंड डिक्लेयर्ड, बिटवीन टू एजीएम्स इज कॉल्ड एज सर एंटायरम। ये नहीं समझ आया, बिटवीन टू एजीएम का मतलब क्या हुआ सर, डिविडेंड तो फाइनेंशियल ईयर एंड का ही है, समझो इस बात को पहले, मैं लॉजिक क्या बता रहा हूं, आपका रीसेंट कौन सा कंप्लीट हुआ ईयर, 22-23, 31 मार्च 23, सुनना बड़ा अच्छा पॉइंट है जी, क्या वर्ड कह रहा हूं यहां पे, आपका ईयर कौन सा क्लोज हुआ, 1/4/22 to 31 मार्च 23, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, यही क्लोज हुआ। अब पॉइंट इज दैट इसका डिविडेंड, इसका फाइनल डिविडेंड कब पे होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी, उसका ऑडिट हो जाएगा, ऑडिट होने के बाद एजीएम होगी, एजीएम में मेंबर्स को बुलाया जाएगा, रेजोल्यूशन पास होगा, फिर फाइनल डिविडेंड तकरीबन तकरीबन सितंबर अक्टूबर में, तकरीबन तकरीबन अगर लॉफुली चले सितंबर अक्टूबर में बात आएगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने करा भी, डन। मैं कह रहा हूं जी मैं इतनी वेट तो नहीं कर सकता कि अल्टीमेटली, क्योंकि एक एजीएम वो तो पिछले साल की होगी ना, जो इस सितंबर 22 में हुई है वो तो पिछले साल की थी, उसमें तो डिविडेंड दे चुका लास्ट ईयर का, और अगली एजीएम कब आएगी,
अब सितंबर 23 में, सितंबर 23 में जाके, मैं कहा सर इतनी देर तक वेट कौन करेगा, फाइनल डिविडेंड देना है नेचुरली इसी ईयर का देना है, बट इतनी वेट कौन करेगा। मैं चाहता हूँ क्यों ना अपने मेंबर्स को एक इंटायरम डिविडेंड दे दिया जाए, जस्ट बिटवीन टू एजीएम, कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता सर, मेरे को ऐसा है कि चलो आप थोड़ी मार्केट में हाइप क्रिएट करें, बढ़िया प्रॉफिट कमाए हैं, अच्छे कमाए हैं, तो एक नॉमिनल सी अमाउंट में उनको एज अ एंटायरम डिविडेंड में देना चाहता हूँ। कहता सर आपकी इच्छा दे दो। तो यहां पे क्या बात चल रही है, दिया तो वो डिविडेंड कौन से साल का है, 22। मतलब सर जी एंटायरम डिविडेंड होता तो फाइनेंशियल ईयर का ही है, फाइनेंशियल ईयर का ही है, कौन से वाले का, प्रीवियस वाले का, दिया कब जा रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो भी उस ईयर की एजीएम डेट से पहले। मतलब सर इस टाइम पीरियड में जो तुम प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दोगे ना, नॉट एजीएम पे, क्योंकि एजीएम पे तो कौन सा होता है, फाइनल वाला, जो मेंबर्स की डिक्लेरेशन पास एंड ऑल सब कुछ होगा, ये वो नहीं है, ये कौन सा है, इस टाइम पीरियड में, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में, पिछले साल का जो भी तुम डिविडेंड बांटोगे, दैट इज कॉल्ड एज एंटायरम डिविडेंड। इसीलिए इसको वर्ड बोलते हैं बिटवीन टू एजीम्स, बिटवीन टू एजीम्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज एंटायरम डिविडेंड इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इसमें तो पावर ही इसके पास है, बोर्ड, बोर्ड देखिए सर अपने लेवल पे निपटाए इसको जो भी करना है। अच्छा आगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ Of a company may declare interim dividend during any financial year or at any time during the period from closure of financial year till the holding of the AGM. बिल्कुल सर, आप इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी दे सकते हैं, और जो बात मैं अभी आपको समझा के चुका, और एट क्या लिखा हुआ है, एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से टिल द होल्डिंग ऑफ, कौन सा महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इवन सितंबर, बस एजीएम डेट से पहले। समझे ना पॉइंट, कि या तो सर उसी साल दे दो, जैसे मान लो ये लास्ट एजीएम कब हुई थी इनकी, लास्ट एजीएम कब हुई होगी, सितंबर 22 में ना, वो तो फिर 21-22 की हुई होगी ना, उससे पिछले सितंबर 22 में हो गया, ईयर कौन सा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23। सर जी दो चांस है, एंटायरम वर्ड पता हम किसको बोलते हैं, वैसे फाइनल डिविडेंड इस 22-23 का कब डिक्लेयर होगा पता, इस 22-23 का फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा, जब 22-23 की एजीएम कंडक्ट होगी, एजीएम में मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, वो तो बात जाके खड़ी होगी सितंबर 23 में, वो तो ये वाला पॉइंट है जी। यहाँ पे मैं तो सर ड्यूरिंग द ईयर बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं तो डिविडेंड देना चाहता हूँ, कहते सर आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही दे दो, कब, नवंबर 22 में, दिसंबर 22 में, जनवरी 23 में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर और एट एनी टाइम, एनी टाइम कब, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, ये ईयर क्लोज हो गया ना, क्लोज हो गया ना, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर से होल्डिंग ऑफ एजीएम से पहले पहले इस टाइम पीरियड में तुम जो भी डिविडेंड बांटोगे ना, वो होगा ही कौन सा, एंटायरम। इसीलिए इसको वर्ड बोलते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं, एंटायरम डिविडेंड इज अ डिविडेंड बिटवीन टू एजीएम, सुनकर देख लेना इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, कि अल्टीमेटली बिटवीन टू एजीएम्स का मतलब क्या है, दिस इज द लैंग्वेज, समझे ना, नहीं तो अदरवाइज क्या, क्रैमिंग फटाफट एक बार ऊपर से निकल गई, बट एक्चुअल पॉइंट ये। आगे चलिए नेक्स्ट इज सोर्सेस क्या होंगे, जैसे आपने फाइनल डिविडेंड के सोर्स बताए थे, सर सोर्स तो यहां भी वही है क्या, प्रॉफिट्स, बट कौन से प्रॉफिट्स, सुनना ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, पहला सरप्लस इन पुराने, जो तेरे पीएल में प्रॉफिट्स पड़े हैं, सरप्लस पड़े हैं, वहां से दे दे, क्लियर, मतलब आउट ऑफ रिजर्व्स काइंड ऑफ। नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ दी, क्या लिखा हुआ है, फॉर विच सच एंटायरम डिविडेंड इज, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, मतलब नो 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 बाई, ये डिविडेंड किसका दे रहा था, बेशक एंटायरम है, एंटायरम क्यों बोला ये बता, एंटायरम क्यों बोला, क्योंकि ये दो एजीएम्स के बीच में है, तो कौन से का, 22-23 का ही है तो 22-23 का ही है ना, पहले तो इस चीज पे क्लैरिटी लेकर आओ, तूने एंटायरम वर्ड क्यों कहा, सर ये कोई एजीएम पे डिक्लेयर नहीं हो रहा, ये बिफोर एजीएम से, मतलब ड्यूरिंग द ईयर या उससे पहले डिक्लेयर हो रहा है, इसीलिए इसको वर्ड क्या बोल रहे हैं, एंटायरम,
मैंने तो उससे पूछा है कौन से साल का, वो सर है तो 22-23 का ही है, तो 22-23 का ही है, जो मैंने 22-23 में ही या 22-23 खत्म होते ही एजीएम से पहले मैंने दे दिया। क्योंकि अगर ये डिविडेंड किस पे दिया जाता, एजीएम पे दिया जाता, तो ये कौन सा होता, फाइनल वाला, जहां पे मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। ये बोर्ड ने अपने लेवल पे निकाल दी। फिर ऐसे करो, कहते जी इसका सोर्स पता क्या होगा, या तो पुराने रिजर्व्स में से, या दूसरा प्रॉफिट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच एंटायरम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर। मतलब कौन से साल की बात कर रहे हैं, 22-23 के प्रॉफिट्स में से ही पैसा निकालो, डिविडेंड बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक और चीज कहते, या फिर अगर अगर ये सिचुएशन कब हैपन होगी, ये सिचुएशन कब हैपन होगी। मैंने कहा सर ड्यूरिंग द ईयर तो मैंने दिया, चलो ठीक, मैं क्या मानना, हमने ना सर, हमने सर ये दिया है 15 जुलाई को, कब दिया है जी, 15 जुलाई को, और तेरी एजीएम डेट कौन सी है, 30 सितंबर, वो तो आगे आएगी। मैं कहा जी मेरे वेट नहीं होगा, आपा तो देंगे। अच्छा मैं कहा एजीएम से पहले दोगे फिर ये एंटायरम होगा, कहता ठीक है जी, ये बात भी सही है कि एंटायरम डिविडेंड है, कौन से साल का है, नेचुरली 22-23 का होगा, क्योंकि नेचुरली पहले 22-23 ड्यूरिंग द ईयर मैंने दिया नहीं, तो ये होगा ही कौन सा, 22-23 का। अच्छा अब इस केस में, कहते आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कौन से प्रॉफिट यूज कर सकते हो, प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एंटायरम डिविडेंड। अब इसमें मैं लेट इट बी थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूं जी, 15 जुलाई नहीं, वहां पे तो आपके प्रॉफिट्स पिछले साल के यूज हो ही जाएंगे। मैंने क्या कहा सर, आपने एक वो कहा था ड्यूरिंग द ईयर भी आप इसको दे सकते हैं, ड्यूरिंग द ईयर भी, मैंने सर यहां पे कोई 15 जनवरी को दिया, मैंने एंटायरम डिविडेंड कब दिया, 15 जनवरी, अभी 22-23 चल रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही आपने क्या दिया, डिविडेंड दिया, एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देना, एजीएम पे ना देना, कौन सा डिविडेंड हुआ, एंटायरम हुआ। कहते फिर इसके सोर्स क्या होंगे, कहता जी पहला सोर्स तो पुराने रिजर्व, दूसरा सोर्स करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट यूज कर लो जिसके लिए डिविडेंड दे रहे हो। मैं कहा जी फाइनेंशियल ईयर तो पूरा ही नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर तो पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि ईयर तो अभी चल रहा है 22-23, और तुम दे रहे हो डिविडेंड। कहते फिर ऐसे करना, इसके लिए, कौन से प्रॉफिट यूज करना, पढ़िए दोबारा, प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर मीन्स 22-23 में, आज तक, आज डेट कौन सी है, कहता जी 15 जनवरी, आज तक जितना भी तुम कमा चुके, क्वार्टर कौन सा एंड हुआ तेरा, क्वार्टर थ्री, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, चार, Q1 Q2 Q3, और Q3 खत्म कब होता है, 31 दिसंबर, ये लास्ट वाला अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ऐसे करना, इस डेट से प्रोसीडिंग, इस डेट मतलब 15 जनवरी, 15 जनवरी से प्रोसीडिंग क्वार्टर कौन सा था, क्वार्टर वो एंड कब हुआ, 31 दिसंबर 22, 22, यहां तक के जो प्रॉफिट्स होंगे ना इस क्वार्टर में, उसमें से एंटायरम डिविडेंड क्या कर देना, पे कर देना। लाइन दोबारा पढ़ो, प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द टिल दी क्या लिखा हुआ है, क्वार्टर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एंटायरम। क्योंकि सर जी मैं तो अपनी दो बातों पे खड़ा हूं, क्या अगर तो एनी फाइनेंशियल ईयर में दोगे, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर दोगे तो नेचुरली सर आपको सोर्स ये लेना पड़ेगा, और अगर आप कब दोगे, आप दोगे जी 15 जुलाई को, कब दोगे, फिर तो पिछला ईयर कंप्लीट हो चुका, फिर वहां पे सोर्स कौन सा लेंगे, नंबर टू वाला। मैंने तो दोनों के लिए पावर देनी है आपको, पर एक चीज बता, दिए तो प्रॉफिट्स ही हैं, दिए तो प्रॉफिट्स ही हैं, कि सर बांटना तो प्रॉफिट्स में से ही है, बस ये बताओ कौन से प्रॉफिट्स। मैं कह सिंपल यार, अगर तो जिस साल का है उसी साल में बांट रहा है, सिंपल लैंग्वेज सुनना, क्या वर्ड बोल रहा हूं, जिस साल का है उसी साल में बांट रहा है, जिस दिन बांटेगा उससे बैक क्वार्टर चेक कर, उससे बैक क्वार्टर चेक कर, वहां तक जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से बांट। मैंने कहा, मैं कह जी 15 जनवरी को बांट रहा हूं, 15 जनवरी से बैक कौन गया तेरा, 31 दिसंबर अभी खत्म होके आया है, यहां तक के जो प्रॉफिट्स होंगे इनमें से पैसा निकाल के एंटायरम डिविडेंड बांट दो, चलेगा। अच्छा मैं कह सर ईयर तो क्लोज हो गया,
मैंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो दिया नहीं 22-23 में, अब एजीएम की मैं वेट करूं वो 6-7 महीने लगेंगे। मैं देना चाहता हूं कब, मैं देना कब चाहता हूं जी, मान लो अप्रैल में, मई जून जुलाई अगस्त, एजीएम से पहले पहले, बट क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो उस केस में क्या करो, रिसेंट जिस ईयर का तुम इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो ना, वहां के प्रॉफिट्स में से पैसा निकालो 22-23 में से, और 22-23 के प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए। दैट इज द पॉइंट। हुआ क्लियर? इसको एक बार अच्छे से दिमाग में सोच लीजिए, पर डाउट नहीं होना चाहिए, सुन ले अच्छे से, देख ले बार बताइए, क्योंकि फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट में जाएंगे। लॉ में यही अल्टीमेट थिंग्स होती हैं, लिखी हुई है लाइन इतनी सी, बट उसके मीनिंग आगे कई बन रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है, समझे पॉइंट? और जितना आपसे डिस्कस किया जाएगा, अलग अलग सिचुएशन डिस्कस की जाएंगी, उन्हीं में से केस निकल कर तेरे सामने आएगा। केस है क्या? एग्जाम्पल सिचुएशन, समझे पॉइंट? हाँ जी, करें आगे। डन है। तीन सोर्सेस, पहला सरप्लस पुराने वाले, दूसरा जिस ईयर का डिविडेंड दे रहा है उस साल के प्रॉफिट्स, तीसरा अगर ड्यूरिंग द ईयर दे रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ही दे रहा है, जिस दिन देगा उससे बैक क्वार्टर तक जो भी तूने पैसे कमाए होंगे, प्रोसीडिंग क्वार्टर जो भी होगा वहां तक जो पैसे कमाए होंगे उसमें से दे दीजिए। अच्छा, अब आइए रिस्ट्रिक्शन। क्या सर एंटायरम डिविडेंड पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन होती है? कहते हाँ सर, एक अलग केस है, एक सेपरेट केस है, सुनिएगा। कहता व्हेन इज द रिस्ट्रिक्शन, पहली बात तो एप्लीकेबल, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई ही कब होगी, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई ही कब होगी, पढ़िए। वेयर द कंपनी has incurred loss during the current financial year up to the end of immediately preceding quarter. बिल्कुल सर, अगर लेट इट बी कंपनी ने इनकर क्या करे, और तुम बात कर रहे हो बांटने की क्या, एंटायर डिविडेंड। मैं कह रहा हूं कोई बात हजम नहीं हो रही, एक तो तुम एक तरफ तो तुम्हारा करंट ईयर का लॉस आ रहा है, और दूसरी तरफ तुम बांटने की बात कर रहे हो एंटायर डिविडेंड। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा किस भरोसे। आप बट चलो कर सकते हो, पुराने रिजर्व आपके पास पड़े होते हैं, आप उसमें से डिविडेंड देना चाहो दे दो, पर देख तूने लॉस वर्ड कहा है तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, अदरवाइज नहीं। क्लियर? कि सर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग क्वार्टर, जो आपका लेटेस्ट क्वार्टर कंप्लीट हुआ है उसमें आपका क्या निकला, लॉस निकला, जब तुम देने की बात कर रहे थे। जैसे मान लो वो कौन सी वाली एग्जाम्पल, 15 जनवरी, 15 जनवरी को कह रहे हो कि मैं डिविडेंड बांटूंगा, 31 दिसंबर वाले क्वार्टर में तो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कहते दे दे, चलो अलाउड है, डिविडेंड लिखा हुआ है कि डिविडेंड तुम दे सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कौन से वाले, करंट वाले या प्रीवियस वाले? करंट वाले तो जवाब देंगे क्योंकि वहां पे वो क्या निकलाया, लॉस। अब क्या करिए, द रेट ऑफ, बस इसमें रेट पे कंडीशन लगाई है मैंने, कि रेट ऑफ एंटायरम डिविडेंड शल नॉट एक्सीड, क्या लिखा हुआ है, द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, क्या लिखा हुआ है, बस इस बार जो रेट देगा ना, क्योंकि है तो देख लॉस, एंटायरम है, मना सिर्फ इस केस में है और कुछ नहीं है, और वो भी रोक नहीं रहा, बांट दे, पर रेट जो देगा ना, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की डिविडेंड की जो एवरेज आएगी उससे ज्यादा मत बांट। अब वही बात, पिछले 3 साल की जब एवरेज आप लोगों ने निकाली, डिविडेंड का रेट कितना निकला जी, मान लो 9%, तुम एंटायरम डिविडेंड देने की बात कर रहे हो 10%, तो सर दे नहीं पाऊंगा। मैं क्या क्यों नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास प्रॉफिट्स है तो हैं। मैं क्या जी प्रॉफिट तो पहले भी थे, प्रॉफिट तो हैं, बट करंट ईयर में तेरा क्या आ चुका, लॉस, इमीडिएटली प्रोसीडिंग क्वार्टर में। नहीं सर, थोड़े हाथ बांधने पड़ेंगे कि इतना भी खुला होकर मत चलिए, कितना, पिछले 3 साल की एवरेज निकालिए, पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा एंटायरम डिविडेंड आप नहीं दे पाए, सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मना थोड़ी करा मैंने। हाँ जी, जो ये डिविडेंड के एवरेज लिया है वो फाइनल वाला है कि फाइनल नेट? फाइनल फाइनल, जो आपके फाइनली जो होते हैं लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, वो चीज। एंड अदर पॉइंट्स पढ़िए जी। नो पावर इज, रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम हाँ डिविडेंड। वो तो हमने कहीं पढ़ी नहीं कि कोई पावर होनी भी चाहिए, सीधी पावर किसके पास है, बोर्ड के पास, बोर्ड जब मर्जी क्या कर दे, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यस, एंटायरम डिविडेंड, शेल बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स और डिक्लेरेशन। सेम प्रोसीजर इस पे भी, कितने दिन दिए गए, 30 डेज। वंस डिक्लेयर्ड एंटायरम डिविडेंड कैन नॉट बी, इसमें तो साफ है, इसको लिख ले,
किसी भी सिचुएशन में एंटायरम डिविडेंड रिवोक नहीं हो सकता। वो जो पीछे तुमने पॉइंट पढ़े हैं ना, वो कौन से केस में पढ़े थे? फाइनल डेट। उसकी भी दो एक्सेप्शन थी, पहला अल्ट्रा वायर, दूसरा क्या था? गोइंग कंसर्न। इसमें नहीं है। एंटायरम डिविडेंड सर कैन नॉट बी रिवोक, ये तो कह रहा है वंस डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक। क्लियर? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज, बट कहीं कहीं आपको वर्ड मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने एक टर्म यूज करी थी। आप बैक चाहिए, बैक पेज पे जाइए। अब इसी बात पे मैं क्रॉस कर रहा हूं, अपनी लाइन को ही क्रॉस कर रहा हूं कि आपको ये चीज चेंज मिलेगी। हमने क्या कहा अभी, एज पर जो लिखा हुआ है, एंटायरम डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक। बट आप पीछे जाइए पेज पे, यहां पे कहीं वर्ड क्या फाइनल डिविडेंड लिखा हुआ था? यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंड डिविडेंड इंक्लूड्स, समझ गए ना? तो ये अपनी ही बात मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये अब आपके बैठे बैठे मुझे भी डाउट आया कि सर एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम डिविडेंड, और यहां पे तुमने लिख दिया कि एंटायरम डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो जब क्वेश्चन करोगे ना, जब क्वेश्चन करोगे, इस चीज पे ध्यान देना, इस चीज पे पॉइंट देना, आईसीआई का व्यू पॉइंट इस चीज के ऊपर क्या है। और ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन कई बार मिलता नहीं है, सीधा पेपर में मिलता है, समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बैठे बैठे माइंड में आते हैं कि अगर मान लो है तो अगर फाइनल डिविडेंड, फिर तो तुम पहले पहचान जाओगे, हाँ सर गोइंग कंसर्न एक्सेप्शन है, अल्ट्रा वायर एक्सेप्शन है। मैंने कहा जी एंटायरम डिविडेंड के बारे में, और एंटायरम डिविडेंड के क्लॉज में तो लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी, यहां तो कोई एक्सेप्शन की बात नहीं करी, बट इसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ था? डिविडेंड इंक्लूड्स। फिर तो जो पीछे वाला पॉइंट है, फिर तो इस पे भी अप्लाई होना चाहिए। फिर तो मतलब एंटायरम डिविडेंड की भी एक्सेप्शंस क्या होनी चाहिए? अल्ट्रा वायर्स और गोइंग कंसर्न। तो ये पॉइंट हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखेंगे इस पॉइंट के रिगार्डिंग कि सर क्या एंटायरम डिविडेंड बिल्कुल भी रिवोक नहीं होता, या वो दो सिचुएशन यहां भी हैं, नंबर वन इज अल्ट्रा वायर्स, नंबर टू इज गोइंग कंसर्न। ऐसा नहीं है सर अकेले आप लोग सीख रहे हैं, आपको पढ़ाने से हर बार नेक्स्ट ऑन हमें भी उतनी डिटेल में और कुछ ना कुछ पता लगता है, हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हमारे में भी होती है। आप लोगों के लिए तो सारी वैल्यू एडिशन है। अब लास्ट मेरे लेक्चर्स अगर कोई सुन ले और अब के देख ले, फर्क मिलेगा। मैं कौन सा याद करके बैठा, जो माइंड में आ रहा है, जो चीज सोची जा रही है कि कहां किस पेपर में कैसी चीज देखी, उसी से रिलेट करते हुए आप लोगों से ये डिस्कशन की जा रही है। अब जितनी भी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस होते हैं, हम खुद बैठ के उसको पढ़ते हैं एक बार कि इस बार आईसीआई ने क्या पूछा, कि अगली बार ध्यान रखना जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जब उस कंटेंट को पढ़ाएंगे, वो चीज मेंशन करवा देंगे कि भाई इस चीज का ध्यान रखना। अब पढ़ोगे ना तब पता लगेगा, जब क्वेश्चन करोगे सर आपने पहले ही हाईलाइट करवा रखे हैं वो पॉइंट, द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर, क्योंकि उस चीज पे क्वेश्चन आया था कि शेयर होल्डर ने क्या दी, डायरेक्शंस प्रोवाइड करी, बट दैट डायरेक्शंस आर नॉट कंप्लाइड विद, बट कंपनी ने उसको नहीं बताया। सिर्फ इतनी सी बात पे क्वेश्चन बन गया, और आप कहीं जी अल्टीमेट क्या हो, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आएंगे, कुछ नहीं आएगा। मन करे एक ही वर्ड पे क्वेश्चन बन जाए, चार नंबर का, पांच नंबर का, प्रोविजन एक्सप्लेन करी, क्रक्स दिया, दैट इज माई आंसर। हुआ क्लियर? चलिए लास्ट कंटेंट, लास्ट कंटेंट। इसके बाद दो केस स्टडीज बीच में, एक पहले छोड़ी थी, एक ये आप अभी सॉल्व करेंगे। लास्ट कंसीक्वेंसेस ऑफ, हाँ जी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। अगर सर आपने पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल करी, मतलब सर आप अपनी कैपिटल खा रहे हैं, पहली बात तो कितनी गलत चीज है। मान लीजिए नई कैपिटल इशू करी, पैसा आया, लोगों को डिविडेंड बांट दिया, मतलब कैपिटल ही खानी शुरू कर दी तुम लोगों ने। कंपनी के हालात क्या होंगे? हमने ज्यादा से ज्यादा अलाउ क्या करा, प्रॉफिट्स या रिजर्व्स? रिजर्व्स भी कौन से वाले? फ्री रिजर्व्स जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होते हैं। जब कुछ ना मिला, खा के कैपिटल बांट दी कि मार्केट में हाइप तो बनी रहेगी, मार्केट में ये तो रहेगा कि हाँ कंपनी डिविडेंड देती है। अब आप लोग खुश हो रहे हैं जी कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी हमें प्रॉफिट्स बांटती है, कहते पहले चेक तो कर लो, कंपनी में 3 साल से तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो बांट कहां से रही है? ले हमारा पैसा हमें दे रही है, हमारी कैपिटल हमें खिलाई जा रही है, आप खुश हो ही जा रहे हैं कि कंपनी तरक्की कर रही है। देख तो लो अंदर जाकर कि कहीं आउट ऑफ कैपिटल तो नहीं बांटी जा रहे। पढ़िए, यस पर्सनल लायबिलिटी, अगर ऐसा कोई घिनौना काम करा
तो उस केस में डायरेक्टर्स की क्या होगी, पर्सनल, पढ़िए, द डायरेक्टर्स शैल बी हेल्ड पर्सनली लायबल टू मेक गुड्स टू द कंपनी द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. जो भी अमाउंट ये बांट देंगे है तो गलत काम करे, इनकी पर्सनल लायबिलिटी है जी, इनको अपनी जेब से वो भरपाई करनी पड़ेगी। अरे कैपिटल कोई बांटता है क्या? आगे डायरेक्टर्स राइट ऑफ क्या लिखा हुआ है, इंडेमनिटी, फिर पढ़िए। और हाँ साथ में ये भी कहा डायरेक्टर का राइट है कि वो इंडेमनिफाई कर सकता है, अपने आप को कंपनसेट करवा सकता है, प्रोवाइडेड क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स हैव अ राइट Of indemnity against the members who received dividends नोइंग owing दैट by दे वर बीइंग पेड आउट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, capital. मतलब सर मैंने लाइबिलिटी किस पे लगाई, डायरेक्टर पे, डायरेक्टर को क्या दे दिया राइट कि जिस जिसको बांटा है उससे वापस ले लो, और लेने वालों को शर्म नहीं आ रही किस बात को लेकर कि अल्टीमेट वो आपको कैपिटल खिला रहा है, आपका ही पैसा दे रहा है और आप भी खा रहे हो, जब पता है कि सारी चीज क्या चल रही है, गलत चल रही है, फिर तो दोनों पार्टीज गलत हुई ना। मैंने किस पे लाइबिलिटी डाली, डायरेक्टर पे, और डायरेक्टर को साथ में क्या दे दिया, राइट दे दिया, क्या राइट, तू मुझे पैसे दे, आगे तूने जिसको दिए हैं ना, आगे बांटे हैं, सबसे क्या कर, रिकवर, अब कोई दे ना दे वो तेरा मैटर है, हमारा मैटर, बांटा भी तूने है, तेरे को पता नहीं लग रहा था कि उस केस में तुम कैपिटल बांट रहे हो आगे डिविडेंड में, कैपिटल डिविडेंड कभी कैपिटल में से बांटे जाते हैं, प्रॉफिट्स में से दिए जाते हैं, किसने डायरेक्टर बनाया तुझे, तू हमें पैसा दे, आगे तेरे पास राइट है, रिकवर कर, दे ना दे हमें नहीं पता, कोई खा गया कंज्यूम कर गया हमें नहीं पता, पर तेरे पास राइट है, समझे ना, हमें तो हमारे पैसों से मतलब है कंपनी को। आगे नो लायबिलिटी ऑफ, क्या लिखा हुआ जी, और डायरेक्टर्स पे कोई लायबिलिटी भी नहीं आएगी अगर वेयर डिविडेंड्स, हाँ जी, Improperly paid out of capital हैव and बीन मेड गुड आउट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, subsequent profits. अगर तेरे को इतना विश्वास है कि आज तूने कैपिटल लोगों को खिलवा दी, आज तूने डिविडेंड किसमें से बांट दिया, कैपिटल में से बांट दिया, चिंता ना करो 2 महीने के अंदर ही मैं इसको प्रॉफिट्स में लेकर आऊंगा, फिर भी तो देंगे, पर सर ये जरूरी था, इनको पैसा देना, इनको बांटना जरूरी था, आप चिंता ना कर। मैं क्या, मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता तुझे होनी चाहिए किस बात की, मेरा कुछ नहीं जाएगा, अगर मान लीजिए कैपिटल की रिकवरी ना हुई, मेड गुड ऑफ आउट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, फिर तो तू बच गया कि अगर तूने कैपिटल बांटी और बाद में सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स के थ्रू तूने उसको क्या कर दिया, गुड कर दिया, फिर तो तू बच गया, नहीं तो पहले पॉइंट में ऊपर पढ़ियो क्या लिखा हुआ था, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता तुझे होनी चाहिए जिसने वो गलत करा है, आपने गलत बांटा है, मैंने नहीं करा, हाँ तुम क्या करो, तुमने अगर कैपिटल में से बांट दिया पर बाद में सही भी करवा दिया, प्रॉफिट्स में ले आए, फिर फाइन, फिर तेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं है, कि ठीक है जी तूने फिर वो रिकवरी करवा तो दी, कंपनी को दोबारा प्रॉफिट्स में ले तो आया, कई बार होती हैं ऐसी टेक्निक्स कि डायरेक्टर ने जरूरी समझा जी एक बार तो इनको हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, मार्केट में रिस्पॉन्ड लेकर आना पड़ेगा, तभी अपन नेक्स्ट आगे प्रॉफिट्स में आएंगे, एक बार तो कैपिटल बांट दी बट बाद में दोबारा उसको किसमें ले आया, प्रॉफिट्स में ले आया, डन, फिर कोई इशू नहीं, फिर कोई इशू नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, लायबिलिटी सीजेस टू अटैच टू द, उस केस में डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, कोई पर्सनल लायबिलिटी उसकी नहीं, ठीक है, तुमने गलत काम करके बाद में उसको सही भी तो कर दिया ना, फिर चलेगा, नहीं तो अदरवाइज डे वन से गलत था, पर्सनल लायबिलिटी आपके ऊपर रहेगी रहेगी, क्लियर। चलिए जी, इसमें 2 केसेस थे, 1 इज मई 18 और एक पीछे आपने कौन सा छोड़ा था जी, जुलाई 21 लेटेस्ट वाले, दोनों सॉल्व करिए फटाफट। राइट ऑफ इंडेमनिटी मीन्स टू कंपनसेट, टू मेक गुड द लॉस, कि जिसने भी अल्टीमेट नुकसान करा होगा, देख सिंपल सी बात, मैंने डिविडेंड बांटा, किसको बांटा, बांटा तो मेंबर्स को बांटा ना, कहते ऐसे करो आप हमें दीजिए, और जिसको तुमने आगे बांटा होगा उनसे रिकवरी करने का, इंडेमनिफाई करने का राइट आपके पास है, वो आपको कंपनसेट करें, वो आपके लॉस को क्या करेंगे, गुड करेंगे, हाँ जी कंपनसेट बिल्कुल, मेंबर्स वापस करेंगे पैसा, जिनको पता था कि ये आउट ऑफ कैपिटल बांटा जा रहा है, डिविडेंड को वापस वापस करेंगे, करेंगे, वापस करेंगे, बिल्कुल, ट्रांजैक्शन क्या कर दी, सारी रिवर्स कर दी फ्रॉम द बिगनिंग। चलिए जी, दोनों केसेस फटाफट, मई 18 और जुलाई 21, एक बार अच्छे से स्क्रीन आउट करिए, एंड पॉजिटिवली मॉड्यूल पे मुझे लेक्चर लेना ही पड़ेगा अलग से, यहां तक तो एक बार अपना टॉपिक ही आज वाइंड अप हुआ है, डिटेल्ड था, एंटायर डिविडेंड के ऊपर काफी वर्ड्स आपको नए पता लगे, क्लियर, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्मली अपना मॉड्यूल ही डिस्कस करेंगे,
अगर जल्दी वाइंड अप हो गया तो नया टॉपिक साथ के साथ स्टार्ट कर लेंगे, अदरवाइज एक लेक्चर हम इसके ऊपर और लेना चाहें। क्लियर? दैट मीन्स हमारा जो क्राइटेरिया है दैट इज फिक्स्ड। चैप्टर वाइज हमारे लेक्चर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। उसमें कोई इतनी दिक्कत भी नहीं है कि किसी एक पे दो पे अगर लेक्चर ज्यादा लग भी गए कोई मैटर नहीं, हमारा कोई इतना सिस्टम वो नहीं है कि आपका कट ऑफ एंड ऑल इतने ही लेक्चर्स होंगे। एंड दिस इज अवर स्टार्टिंग ऑल्सो। अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ अपने प्रीवियस के साथ, तो वो रनिंग टॉपिक में होते थे जब बच्चे मेरे साथ अटैच हो जाते थे, जब आपको मेरी लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो जाती थी तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है। दिस इज द स्टार्टिंग एज, इसीलिए इसीलिए नहीं तो आज क्वेश्चंस का भी टारगेट था। क्लियर? तो क्वेश्चन अपा नेक्स्ट क्लास में कंफर्टली करेंगे, बट चीज समझ आनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए किसी बात का। करिए जी फास्ट। जुलाई 21 वाला देख लिया? इसमें तो सिंपली लास्ट 3 इयर्स की एवरेज वाला ही पॉइंट होगा मई 18 में। क्लियर? मेनली जुलाई 21 वाला किसके ऊपर है जी? अच्छा, डेट के ऊपर ही है। ओके। इसमें वही आ गया ना 127 का लास्ट वाला पॉइंट कि हमारी नेग्लिजेंसी के कारण कि जो डिले हुआ, जो अब तक डिविडेंड नहीं पहुंचा, वो हमारी किसी नेग्लिजेंसी के कारण तो नहीं है ना, तो 127 हमारे पे लगेगा ही, तो हमारे पे किसी बात की कोई पनिशमेंट या आप हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाए। दैट इज द पॉइंट। हाँ जी, क्लियर? कर सकते हैं वाइंड अप। सो नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसके क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा स्पीडली कवर करवाने की कोशिश करूंगा कि विद हाफ एन आवर डिस्कशन में हम कंप्लीट करें, सो दैट कि साथ के साथ एक नया टॉपिक, कोई बढ़िया सा टॉपिक आगे क्या करें, स्टार्ट करें। एंड स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में पहले नहीं करवाता, उसका कारण है क्योंकि जो चीज आप ऑलरेडी थोड़ी बहुत फाउंडेशन में पढ़कर आए हैं, कंपनीज एक्ट या इतना, तो आई थिंक सो बीकॉम लेवल पे भी कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, ये सारा सिंपल कंटेंट हम बाद में करेंगे। बट द मेन मेन चीज जो हमें रीड आउट करनी है यहाँ पे, क्लियर? दैट इज द न्यू टॉपिक्स जो आपने बिल्कुल भी पहले नहीं सुने हुए, लाइक प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो वन बाय वन पहले कंपनी लॉ को ही क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।